हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आपको क्लास्टर केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें से 20 मार्क्स के प्रश्न आने हैं, मैं उनमें से आपको पांच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देख लीजिए, इसमें कुछ निम्नलिखित को समझाइए महत्वपूर्ण अभिक्रिया, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सभी क्वेश्चन 5 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। वीडियो ध्यान से देखना है, सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं बताऊंगा लास्ट में कहां मिलेगा। वीडियो अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लोगे, हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस डेली आती रहती है सभी सब्जेक्ट के। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले है फ्रेयॉन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। पहले आपको बताना है फ्रेयॉन क्या होता है, फिर इसका एक कोई उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग कहां होता है। ठीक है, ये 15, 16, 17, 18 4 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फ्रेयॉन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक, इस तरीके से आपको केमिस्ट्री का पेपर देखे होंगे लास्ट ईयर का, उसमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आता है। तो केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, दो बताऊंगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है क्लोरोल को कॉस्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है, इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। सेकंड है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ये दोनों 13, 14, 16, 17, 18 5 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्लोरोल को कॉस्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है तो इसका रासायनिक समीकरण, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन 16, 17, 18 मतलब पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है। आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव इथरों की संरचना सूत्र लिखिए। आणविक सूत्र CuH10O वाले सभी संभव इथरों के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के थ्योरी में जो 70 मार्क्स का होगा, उसमें 20 मार्क्स से सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित को समझाइए, इस तरीके का भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया है, बोर्ड एग्जाम 2019 की यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है। निम्नलिखित को समझाइए, पहला है निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं। पहला आपको समझाना है कि निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों। फिर सेकंड है अल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, ये आपको समझाना है क्यों ऐसा होता है। अल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, दोनों देखिए 14, 13, 16, 17 4 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। 8, 10, 13, 14, 16 ये भी 5 साल आ चुका है। पहला है क्लीमेंसन अपचयन, ये अभी क्या को बताना है क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। सेकंड है विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण ये क्या होता है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले 100% गारंटी वाले प्रश्न है, 5 प्रश्न। पहला फ्रेयॉन क्या है, फिर दोनों का रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर आपको आणविक सूत्र का संरचना सूत्र लिखना है, फिर आपको निम्नलिखित को समझाना है और महत्वपूर्ण अभी क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह दो और वीडियो आएंगे, अगर इनको तैयार कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दिया है, आप जहां से मन वहां से ले सकते हो, जहां पर आपको ईजी होगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लगे, वहां चैनल पर ऐसी वीडियो डेली आती रहती है। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।